तो यार देख ली ये मुर्गी पकड़ ली है हमने। अब इसे देखिए ये आवाज़ देख ली इस तरह कर रही है। तो यार देख सकते हैं जो इसमें हमारी एक मुर्गी है वो शायद मुझे लगता है कुड़ुक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुड़ुक कुड़ुक की आवाज़ भी कर रही थी और मैंने इसे कल अंडों पे बैठा हुआ भी देखा था, लेकिन ये फिर भग गई थी। तो मुझे लगता है यार ये मुर्गी अभी कुड़ुक होना चाह रही है, तो इसे देखते हैं हम। तो वो मुर्गी मैं आपको दिखाता हूँ, और उससे पहले हमारी ये बतख देख लीजिए और हमारे लकी पिजन्स को देख लेते हैं, हम उसने अंडे दिए हैं या नहीं दिए। तो आइए देखते हैं लकी पिजन्स को। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप और आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। तो यार आप देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया होगा। तो यार मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ, आज मुझे कहीं बाहर जाना है इसलिए मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ। तो मैंने सोचा यार आपके लिए एक वीडियो बना दूँ और आपको बताऊँ यार हमारी एक मुर्गी कुड़ुक होना चाह रही है, मतलब उसे मुझे लग रहा है ये कुड़ुक हो रही है। तो मुझे आप बताइए कितने दिन में कुड़ुक हो जाएगी और होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो मुर्गी और हमारे लकी पिजन्स को भी देखेंगे उन्हें अंडे दिए हैं या नहीं। तो यार जो मैंने आपसे कल की वीडियो में बोला था कि हम हमारे बच्चे को, जो हमारा एक बच्चा है उसको हम नहलाएंगे, लेकिन यार आज वो हमें नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं दवा लेके आ चुका हूँ देख लीजिए। तो मैं शाम को ही गया था और दवा लेके आया था, ये देखिए ये दवा मैं लेके आ चुका हूँ। उसके लिए लाया हूँ मैं कबूतर के बच्चों के लिए और हमारे कबूतरों के लिए। तो इससे ही मैं हमारे कबूतरों को, मुर्गियों को, मतलब इन चीज़ों को नहलाऊँगा इससे उनके कीड़े ख़त्म हो जाएँ। तो यार वो आज तो मैं नहीं कर पाऊँगा यार, क्योंकि मैं जा रहा हूँ यार बाहर कहीं पर, तो अभी तो नहीं कर पाऊँगा। इंशाल्लाह हम कल उसे ज़रूर से करेंगे। तो आप देख सकते हैं धूप भी आज निकली है, कल रात में बारिश हुई थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कल हम ज़रूर उसे नहलाएंगे। तो चलिए पहले हम कबूतर खोल देते हैं और फिर उन्हें दाना डाल देते हैं। यहाँ पे हम पहले ये कबूतर खोलते हैं और इन्हें देखते हैं अंडा दिया है नहीं। बाजी ने तो नहीं दिया, लेकिन इनका लगता है मुझे थोड़ा इनका, इसका ये, इसका नहीं, ये लकी पिजन्स का, लकी पिजन्स दे सकते हैं शायद। यार इन्हें भी नहीं दिया अभी यार। तो चलिए इसे खोल देता हूँ सबको। तो देख लीजिए सबको मैंने पिजन्स को खोल दिया है। अब इन्हें मैं दाना डाल देता हूँ। तो दाना डाल देता हूँ मैं, चलिए इन्हें दाना डालता हूँ मैं। तो देख लीजिए हमारा मेल पिजन है कितनी तेज़ घुटक रहा है, इसके ऊपर न्यू पिजन लाए थे और हमारा वो पुराना वाला जिसने अभी अंडे दिए हुए हैं और हमारा लकी पिजन्स, तीनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ। तो जल्दी से मैं दाना ले आता हूँ इन्हें और डालता हूँ। चलो। तो यार हमारे बाजी कबूतर है ना, देख रही है अपनी फीमेल को मार रहा है और दौड़ा रहा है अंडे रखने के लिए, लेकिन वो अभी रख नहीं रही है, लगता है 2 से 3 दिन के अंदर रख देगी शायद ये। देख लीजिए कितनी तेज़ मार रहा है, अब तो आप देख सकते हैं साफ साफ। तो देख लीजिए मार रहा है, दाना भी नहीं खाने दे रहा है यार उसे, पता नहीं दाना भी नहीं खाने दे रहा। देख लीजिए बिल्कुल उसे मार पीछे लगा हुआ है उसके, ये देखिए मार रहा है उसे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमारे बच्चे को भी उठा के ले आता हूँ, जो वहाँ पे बच्चा बैठा रहता है उसको भी मैं उठा के लाता हूँ और यहीं छोड़ता हूँ, वो दाना खाना सीख जाएगा। और अंडो फीमेल बैठी है वहाँ पे, चलिए मैं उठा के लाता हूँ उसे। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से और उस बच्चे को उठाते हैं। यहाँ पे यार बहुत मुश्किल होती है चढ़ने में। तो यार ये देख सकते हैं आप, हमारा ये बैठा हुआ है बच्चा, यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, यहीं पे रहता है ये यार, इसे यहीं पे अच्छा लगता है। तो जल्दी से मैं इसे है ना नीचे उठाऊँगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए हमारी फीमेल अंडों पे बैठी हुई है और अब ये डर के उड़ के भाग भी नहीं रही है, उसने नेस्ट देख ली माशाल्लाह से और ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है। और उसके अंडे देखता हूँ मैं यार, उस साइड नहीं खिसक जाए, वही मुझे मार रही है। इनक्यूबेट तो माशाल्लाह ये रात भर से कर रही थी और बहुत अच्छा इनक्यूबेट करते हैं ये, मुझे पता है। तो इसको हम जल्दी से नीचे ले चलते हैं और दाना खाना छोड़ते हैं, इसके कीड़े हम कल निकालेंगे। तो देख लीजिए उड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी ट्रेनिंग भी चालू होने ही वाली है बस।
शायद नहलाने के बाद से ही चालू कर दें हम ट्रेनिंग। तो जल्दी से इसे भी यहीं छोड़ते हैं हम। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे पिजन साथ छोड़ दिया है और हमारे ये मेल पिजन है यार इसके ऊपर उटकने लगा है। तो देख लीजिए, तो दाना खाने छोड़ता हूँ इसमें सबके साथ। चल दाना देख लीजिए, लेकिन खा नहीं रहा ये। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से दाना खाएगा ये, अगर आप बहुत अच्छा बच्चा बनेगा मतलब ये। तो यार मैं दो बच्चे निकालना भूल ही गया जो हमारे उसके थे, तो अब यहाँ से इनको भी दाना खाना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये गया यहाँ पे माशाल्लाह से, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेल पे जाने और अब इसकी फ़ीमेल को निकालते हैं, मतलब इसकी फ़ीमेल होगी वो अभी। तो ये देख लीजिए ये आ गई। तो यहाँ पे हम इन कीटों को साइड में रखते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पूरे पिजन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। और हमारा लकी पिजन यार देख लीजिए अपने नेस्ट में चला गया है, जो हमने मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। अब इससे यार इतना मतलब वो नहीं हो रहा, गंदा नहीं हो रहा। और ये इनकी लड़ाई होती रहती है, हमारे मेल पिजन की लड़ाई करते रहते हैं यार ये आपस में, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं ये। तो देख लीजिए ये वाले पिजन्स को हमारा दाना नहीं खाने दे रहा है वो नया वाला, और लकी पिजन भी उसे मारता है काले वाले को, लेकिन नए इसको नहीं मारता है, वो इसको नहीं मारता है हमारा लकी पिजन। तो आप देख लीजिए यार ये वाला मेल बहुत भगा रहा है इस फीमेल को, तो ये दूर भाग जा रही, दाना भी नहीं खा रही है। तो देख लीजिए अब मैं आपको मुर्गी दिखाता हूँ जो हमारी कुड़ोक लग रही है मुझे, और आप मुझे बताइएगा वैसे तो कमेंट में। तो ये देख लीजिए ये बैठी हुई है वो मुर्गी, तो इसे हम क्या करेंगे इस वाले दड़बे में बैठेंगे। तो मैं इसे आगे से दिखाता हूँ, यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे हमने इसका इस तरह से नेस्ट बना दिया है अभी के लिए टेम्परेली। तो देखते हैं ये बैठेगी या नहीं, ये तो ऊपर से दिखाता हूँ मैं। इस तरह के दड़बे में अभी इसे बंद करेंगे अंडों के साथ, शायद ये बैठ जाए, इसका कुड़ुक पक्का हो जाए। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये मुर्गी है वो देख लीजिए, देख कुड़ुक कुड़ुक की आवाज़ भी कर रही है, देख लीजिए। तो चलिए खोलता हूँ मैं इसे, यहाँ पे आप छोड़ता हूँ इसके अंदर दड़बे के अंदर। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, ये भागने की सोच रही है, लेकिन एक काम करता हूँ मैं इसको उठाता हूँ, इसको एक काम करता हूँ अंडे रखता हूँ एक साइड पे, इसको पहले बंद कर देता हूँ इसका ढक्कन। अब पहले मैं ये उठाता हूँ कपड़ा, गोल गोल कर लेता हूँ। चलिए मुर्गी तो भाग गई है, कोई बात नहीं, अब इसके अंदर रखता है हम अंडे, सारे अंडे इसके अंदर रखेंगे हम और इसे बिठाएंगे कुड़ुक पे। अगर ये बैठती है ठीक है, नहीं तो यार हम इसे उठा लेंगे, क्योंकि अब मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है। इसे पकड़ता हूँ मैं, तो यार पकड़ा नहीं रही है ये बिल्कुल भी। तो इसे पकड़ता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ पकड़ के। तो यार देख ली ये मुर्गी पकड़ ली है हमने, अब इसे देखिए ये आवाज़ देख ली इस तरह कर रही है, कुड़ुक 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 की आवाज़ कर रही है ये, देख लीजिए ये इस तरह की आवाज़ कर रही है। तो जल्दी से हम इसे पकड़ के बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर भाग जाए। तो जल्दी से हमने इसे बंद कर दिया है, तो अब देखते हैं ये अंडों बैठती है या नहीं। तो यहाँ पे यही चेक करेंगे अंडे बैठती है या नहीं। और ये हमारा मुर्गा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हो चुका है, कलर देख लीजिए आप इसका, मैंने आपको कभी इतने गौर से नहीं दिखाया था, तो आप इसका कलर देख लीजिए। और ये हमारा यार मेल पिजन हर बार की तरह देख लीजिए, इसकी फ़ीमेल और मेल को मारने चला गया, और माशाल्लाह से धूप निकलना शुरू हो गई है, आप देख लीजिए धूप निकलना शुरू हो गई है। और ये हमारे पिजन यार दाना खाने लगे हैं, तो और वहाँ पे यार उसकी लड़ाई हो ही गई है, देख लीजिए मैं आपसे बोल रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत तेज़ लड़ते हैं यार, हाथ में भी काटते हैं, देखिए भाई कितनी तेज़ मार रहा है ये। और लखा पिजन का घर ये है नीचे वाला, लेकिन वो ऊपर जाता है। और ये हमारा मेल पिजन यार दाना इसके अंदर से खा रहा है, क्योंकि उसे दाना नहीं खाने दे रहा है ये वाला पिजन। तो हम इस पिजन को भगाएंगे, क्योंकि यार वो अपने बच्चे के लिए दाना खाता है, और बच्चा देख लीजिए कहाँ पे दाना खा रहा है अभी बेचारा। तो जल्दी से आपको मैं बच्चा दिखाता हूँ, बच्चा कहाँ दाना खा रहा है देख लीजिए, वहाँ पे जाके दाना खा रहा है। और इसका मेल पिजन देख लीजिए दाने की कट्टी में जाके दाना खाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यार इसे ये वाला पिजन भगा रहा है ये देख लीजिए।
ये वाला ब्लैक वाला पिजन भगा रहा है इसे यहाँ से, तो ये कह रहा है यहाँ से भाग। और ये देख ली यहाँ पे लखा पिजन बैठा है हमारा, इस बच्चे को यार छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन ये यार दाना नहीं खाता है, वापस भग जाता है उधर उधर पे दाना खाता है बैठ के। और ये हमारे बच्चे भी यार दाना नहीं खाना चाह रहे हैं अभी, तो जब इनका मन होगा ये खा लेंगे दाना, यहीं पर रखा हुआ है दाना। तो बतख को भी अभी नहीं खोलते हैं हम आज, तो यार शाम तक आऊँगा यार मैं, तो देखते हैं खोलते हैं या नहीं, वैसे खोल चलेंगे हम इन चीज़ों को। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।